नमस्कार दोस्तों, पब्लिक वांटेड चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगा और ना ही कोई मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, सिर्फ आप बिना कीबोर्ड की सहायता से म्यूजिक सीख सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही किया था। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कोई कीबोर्ड नहीं था लेकिन मैंने म्यूजिक सीखना आरंभ कर दिया था अपने मोबाइल से। ऐसे दो बेस्ट एप्लीकेशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग मुझे कमेंट किए थे इस चीज के लिए। तो दो ऐसे बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मैं सारे इसका सेटिंग भी बता दूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करोगे तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज सिर्फ आपको दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करोगे और कौन से दो बेस्ट एप्लीकेशन है वो आप घर बैठे मोबाइल में म्यूजिक सीख सकते हो। मुझे काफ़ी सारे दोस्त ने कहते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या मैं म्यूजिक सीख सकता हूँ, मेरे पास कीबोर्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऑफ कोर्स यार, आपके पास कीबोर्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो भी आप म्यूजिक जरूर सीख सकते हो। मैंने भी स्टार्ट में ऐसे ही किया था। आपके पास एक मोबाइल तो जरूरी ही होगा, आप आजकल घर घर में एंड्रॉयड मोबाइल तो होता ही है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल भी आपके पास नहीं है तब तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप इस तरह का यूज करके नहीं सीख सकते हैं। कम से कम एक एंड्रॉयड मोबाइल तो आपको ज़रूर रखना ही होगा, तभी आप आजकल की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो, इसके अलावा में भी। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ सीख सकते हो डिजिटल दुनिया में। तो मोबाइल एक जुगाड़ कर लीजिए, आपके पास अभी भी मोबाइल नहीं है आज के ज़माने में तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ दो कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ और जल्दी से बता देता हूँ कि दो बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है जिसे आप बिना कीबोर्ड की सहायता से इस तरह मोबाइल में इंस्टॉल करके सीख सकते हो म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे पास कोई कीबोर्ड नहीं था तो मैंने भी इस तरह मोबाइल में ही सीखा था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त ने इस एप्लीकेशन की यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया दोनों एप्लीकेशन है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मोबाइल की इंटरनेट ऑन कर दीजिए, ये तो सबको पता ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस तरह प्ले स्टोर आपको ढूंढ लेना है मोबाइल पे कहाँ पर है, उसके बाद उसको क्लिक कर देना है इस तरह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर में इस तरह सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और बगल में एक माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दोनों में आप सर्च कर सकते हैं। जिसको टाइप करना नहीं आता है माइक को दबा दीजिए, उसके बाद बोल के आप सर्च कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम है वाल्क बैंड, WALK BAND वाल्क बैंड। उसके बाद दोस्तों इस तरह सर्च कर लेना है, ये देखिए नीचे भी शो कर रहा है वाल्क बैंड मल्टी ट्रैक्स म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, सर्च कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। उसके बाद इसको टच कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा तो आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला बेस्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरा बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, ये बाद में मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसके बाद बैक कर लेता हूँ या फिर यहीं से ऊपर में मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए सर्च का ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो है वो सर्च करके बता देता हूँ। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है ORG Piano। ठीक है दोस्तों, PIANO उसके बाद APP ORG Piano ऐप। ठीक है दोस्तों, इस तरह सर्च कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए दूसरा नंबर पे ORG 2021, ये नया वर्जन है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह इस आएगा तो इसको यहाँ पर इसका आइकन देख लीजिए ORG 2021। ठीक है, इसको टच कर दीजिए इस तरह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये भी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा ओपन की जगह, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, और वो वाला भी दोनों बढ़िया है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है दोस्तों, इसमें आप मल्टी ट्रैक्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसमें मल्टी ट्रैक्स बना के आप पेच बना सकते हैं। जो लोग पेच बनाते हैं, डीजे बनाते हैं, उनको पता ही होता है पेच क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता नहीं है तो आप देख लीजिए यूट्यूब में, बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब में पड़ा हुआ है मल्टी ट्रैक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों ऐप का सेटिंग भी मैं
बता देंगे आने वाले टाइम में। अगर आपने कमेंट करोगे आपको पता नहीं है तो मैं इसका सेटिंग भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, जो लोग बिगनर है उनके लिए ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट करके। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह आप यूज कीजिए बिना कीवर्ड की सहायता से, और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।